दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरा के लड्डू, जो हमारे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिनों में जो है, जब हमारा त्यौहार होता है ये मकर संक्रांति का, तभी ये बनाए जाते हैं। सर्दियों में बनाते हैं, जैसे कि इसमें मुरमुरा होता है और गुड़ होता है, तो गुड़ की तासीर जैसे कि गर्म होती है, तो वो गर्म होने की वजह से सर्दियों में गुड़ की चीज़ें ज़्यादातर खाई जाती है, तो इसीलिए ये मुरमुरा लड्डू जो है वो मकर संक्रांति के वक्त बनाया जाता है। तो बहुत ही फटाफट से बनने वाला टेस्टी ऐसा ये मुरमुरा लड्डू है और मुझे तो अपने बचपन की ही याद दिलाता है। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके स्कूल के बाहर इस तरह से ये मुरमुरा लड्डू बेचने के लिए एक आंटी बेचती थी, तो उस तरह से ही ये लड्डू बनते हैं और हमें जैसे हमारी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है इस तरह से ये लड्डू बनाते हैं। तो हमने जैसे कि ये बचपन में खाए हुए होते हैं, तो ये लड्डू किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए ये कितने कुरकुरे हैं। बहुत ही कुरकुरा बनता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा लड्डू गुड़ के, किस तरह से बनाते हैं वो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये जो कप है, मेजरिंग कप, इसकी मेजरमेंट से जो है 4 कप मुरमुरा लिया है। मुरमुरा जो है वो आप कौन सा भी ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला जो है ये मुरमुरा लिया है। आपके पास अगर भड़ंग मुरमुरा है तो वो भी ले सकते हैं, तो कोई भी मुरमुरा आप ले सकते हैं। और इसी कप की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर 1 कप जो है गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से छुरी से कट कर लिया है, अच्छे से बारीक ऐसा कट कर लिया है, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और लगभग 1 टीस्पून हमें यहाँ पर देसी घी चाहिए, तो ये घर का बनाया देसी घी है। 15 सेकेंड के लिए ये मुरमुरा जो है वो कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दूंगी गैस पर और ये मुरमुरा जो है ये हम भून लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हमें ये मुरमुरा भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंटिन्यूसली चलाते हुए ही मुरमुरा अच्छे से भून लिया है। हाथ को ये अच्छे से गर्म भी लग रहे हैं और ये देखिए ये अच्छे से कुरकुरे भी हो गए हैं, ये देखिए। और मुरमुरा जैसे कि हल्का होता है तो जल्दी से जलता है, तो इसलिए कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हमें ये भून लेना है। तो मैं ये एक थाली में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और ये 1 टीस्पून हम देसी घी डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और ये गुड़ जो है इसे ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इस गुड़ की हमें चाशनी बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गुड़ को और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो ये अभी जो साइज़ में दिख रहा है, इसकी डबल साइज़ में ये गुड़ जो है अच्छे से फूल जाता है, तो तब हमें ये चाशनी चेक करनी है। तो हमें इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए ही ये गुड़ अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ये गुड़ अच्छे से चलाते हुए इसकी चाशनी बना ली है। अब हम चाशनी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है और ठंडा पानी, और इसमें ये कुछ ड्रॉप्स डालेंगे चाशनी के, गुड़ की चाशनी के। और ये देखिए, तो ये देखिए इसकी एक गोली बन रही है इस तरह से। तो ये हमारी चाशनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें मुरमुरा ऐड कर देंगे। तो गैस हमें बंद कर देना है और जल्दी से इसमें हम मुरमुरा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक सा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मुरमुरा अच्छे से गुड़ में एक सा कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगा लेकर ये लड्डू जो है वो बांधने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है हाथों पर, देखिए इस तरह से, और फिर ये लड्डू बनाने हैं मीडियम साइज़ के। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें ये लड्डू बनाने हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ये
कि बिल्कुल भी हाथों में चटका नहीं लग रहा है और बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बन रहे हैं। तो ये देखिए, तो एक दो लड्डू बनाने के बाद क्या होता है, हाथों में मुरमुरा जो है वो चिपकने लगता है। तो जब भी मुरमुरा हाथों में चिपकने लगता है तब हमें हाथों में पानी लगा लेना है और फिर लड्डू बांध लेने हैं। तो ये देखिए, एक दो लड्डू बनाने के बाद जो है वो हाथों में मुरमुरा चिपक रहा है, तो फिर से हम पानी लगा लेंगे हाथों में और ये देखिए इसे बांध लेंगे। तो इसी तरह से मैं ये सभी लड्डू बांध लेती हूँ और फिर से आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना परफेक्ट बढ़िया ऐसा लड्डू बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लड्डू मैंने बना लिए हैं। तो मकर संक्रांति स्पेशल हमारे मुरमुरा लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, हार्डली हमें इसे बनाने में 5 से 6 मिनट लगते हैं और फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।